बिहार में मौसम का मिजाज धीरे धीरे सर्द होता जा रहा है, लेकिन बिहार में दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव की वजह से सियासी तपिश बढ़ी हुई है। बिहार में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन दोनों सीटों पर तेजस्वी यादव की सीधी नज़र गड़ी हुई है। तेजस्वी हर हाल में उपचुनाव वाली सीटों पर जीत हासिल कर राष्ट्रीय जनता दल को विधानसभा में और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन गोपालगंज में तेजस्वी के सामने उनके ही मामा साधु यादव दीवार बनकर खड़े हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने गोपालगंज सीट पर अपनी पत्नी को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी BSP के टिकट पर गोपालगंज से चुनाव लड़ने जा रही हैं। दरअसल इंदिरा देवी का मायका भी गोपालगंज में ही है। साधु यादव पहले से ही कहते रहे हैं कि गोपालगंज उनका घर है और वह हर हाल में वहां से चुनाव लड़ेंगे। साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। उनका मायका गोपालगंज के अरार गांव में है। गोपालगंज में अब तक साधु यादव ये चुनाव लड़ते आए हैं। वे गोपालगंज के सांसद भी रह चुके हैं। जुरो दीक्षांत से करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।